हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे डायूरेटिक्स और इन्हीं लेक्चर्स की सीरीज में फर्स्ट हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स को डिस्कस किया, सेकेंड लेक्चर में हमने लूप डायूरेटिक्स पे फोकस किया और आज के लेक्चर में हम थर्ड टाइप ऑफ डायूरेटिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं जो क्या है, थायजाइड डायूरेटिक। ठीक है, डायूरेटिक्स के बारे में फर्स्ट लेक्चर में मैं डिटेल में बता चुकी हूँ। ये लेक्चर पहले लेक्चर्स का कॉन्टिन्यूएशन है, तो इसीलिए पहले लेक्चर आप देखिए फिर इस पे आइए। ठीक है, तो डायूरेटिक मेनली हमने क्यों लिए थे, कोई भी डायूरेटिक क्यों लिया जाता है, ताकि यूरिन का वॉल्यूम हम बढ़ा सकें। और यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ाने के पीछे का रीजन क्या है, हम चाहते हैं कि हमारा ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए, क्योंकि जब भी इंसान का ब्लड प्रेशर हाई होता है, अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो क्या हो रहा होता है, उस इंसान की जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें प्रेशर पड़ रहा है ना, ब्लड वेसल्स की वॉल पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। तो अगर आप उस ब्लड वेसल के अंदर बहने वाले ब्लड के वॉल्यूम को कम कर दोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा ना। तो डायूरेटिक्स के पीछे का आपका रीजन यही है, डायूरेटिक्स क्यों लिए जाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ब्लड का वॉल्यूम कैसे भी कम हो, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्लड के फिल्ट्रेशन से ही यूरिन बनता है। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, फटाफट से ब्लड का फिल्ट्रेशन करेंगे और ये ट्राई करेंगे कि जो भी ब्लड, ये नेफ्रॉन जो कि किडनी की मेन फंक्शनल यूनिट है, जो भी ब्लड इससे फिल्टर होके नीचे आ रहा है, ठीक है, ब्लड का जो फिल्ट्रेशन हुआ है, जो भी फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है, वो सारा का सारा एक्सक्रीट हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि ये नेफ्रॉन कैसे हैं, बहुत ज्यादा इफिशियंट है। ये क्या करते हैं, ऊपर से अगर मान लीजिए फिल्टर होके यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ ग्लोमेरुलस में, फिल्ट्रेट नीचे आया, पर मिनट कितना बताया था मैंने, 120 ml पर मिनट आपका फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है, लेकिन एक्सक्रीट कितना होता है, केवल 1 या 1.2 ml, है ना। तो ये नेफ्रॉन इतने ज्यादा इफिशियंट है कि ये ऊपर से 120 ml आने के बावजूद भी एक्सक्रीट बाहर कितना भेज रहे हैं, यूरिन के फॉर्म में कितना भेज रहे हैं, आपका 1 ml, समझ रहे हो। यानी कि जो फिल्ट्रेट में वाटर था, एसेंशियल कंपोनेंट्स थे, वो ज्यादातर करके रीअब्सॉर्ब होके वापस ब्लड में चले जाते हैं, ये नेफ्रॉन का काम होता है। अब अगर हमें ये चाहिए कि भाई ये रीअब्सॉर्प्शन ना हो, हम ये चाहते हैं, हमें किसी भी तरीके से ब्लड का वॉल्यूम कम करना है, तो हम चाहते हैं कि रीअब्सॉर्प्शन ना हो, जो चीज ऊपर से फिल्टर होके नीचे आ गई है वो एक्सक्रीट हो जाए। अगर 120 ml पर मिनट फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो वो 120 ml का मैक्सिमम पार्ट आपका यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाए, फिर दोबारा से ब्लड आएगा, फिर वही आपका फिल्ट्रेशन होता रहेगा, तो वापस आपका ब्लड में चीजें नहीं जा रही हैं, यही काम हमारे डायूरेटिक्स का है। तो इससे क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम कम रहेगा, ब्लड की जो वेसल्स पे जो आपका क्या हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, वो कम रहेगा, और जिस इंसान को अगर हाइपरटेंशन है, जिसका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो उससे उसे राहत मिलेगी, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या किए थे, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर और लूप डायूरेटिक्स हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि भाई थायजाइड डायूरेटिक कैसे काम करते हैं। ठीक है, जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैक्सिमम जो यहाँ से फिल्टर होके नीचे आता है, जब फिल्ट्रेट आपका यहाँ से नीचे आएगा फिल्टर होने के बाद, तो आपका क्या होता है, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ पे आपका क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट रीअब्सॉर्ब हो जाता है, 65% सोडियम, अभी मैं मेन जिनसे मतलब है वही बताती हूँ, 65% सोडियम क्लोराइड यहाँ से रीअब्सॉर्ब हो जाता है अलॉन्ग विद वॉटर। ठीक है, फिर बात करेंगे, ये जो हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पे आपका क्या होता है, 20-25% क्या होता है, सोडियम क्लोराइड रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। और ये जो डीसीटी है, जो आ गया ये डीसीटी, यहाँ पे क्या होता है आपका, लगभग 5-10% सोडियम क्लोराइड रीअब्सॉर्ब होता है। ठीक है, और जो ये कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ पे कितना होता है बताया था मैंने आपको, 2-3% सोडियम क्लोराइड रीअब्सॉर्ब होगा। और क्या बताया था मैंने आपको, कि ये जो पार्ट होता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये क्या रहता है आपका, वाटर परमिएबल होता है, यहाँ से वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता है, लेकिन जो ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, जो ऊपर की ओर जा रहा है, ये क्या है, वाटर इम्परमिएबल है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, हालांकि फर्स्ट मैं बता चुकी हूँ ये सब। ठीक है, आप देखो हमारे थायजाइड डायूरेटिक, जो कि थर्ड हमारी क्लास है जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, वो कैसे वर्क करते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, थायजाइड डायूरेटिक्स,
ये जो ड्रग्स होती हैं ये सीधे क्या करती हैं, ये डीसीटी पे काम करती हैं। इनका जो साइट ऑफ एक्शन है वो क्या है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो अब खुद सोचिए कि ये कैसी ड्रग्स होंगी। आपको पता है कि मैक्सिमम अमाउंट सोडियम क्लोराइड का पीसीटी में रीअब्सॉर्ब हो जाता है। उसके बाद सेकेंड नंबर में आपका लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आपका होता है। यहाँ पे केवल 5-10% रीअब्सॉर्प्शन हुआ करता था। अब हम अगर ये ड्रग डीसीटी पे काम कर रही है तो यानी कि ये केवल 5-10% जो ये रीअब्सॉर्ब हुआ करता था इसे नहीं होने देंगी। तो इसका मतलब ये मेडिसिन कैसी होंगी, आपकी वीक डायूरेसिस देंगी। ठीक है, इनसे बहुत अच्छा इफेक्ट ऐसा नहीं है कि अकेले आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिल जाएगा। तो जब आपको एक कम अमाउंट में आपको चाहिए कि भाई डायूरेटिक्स देने हैं लेकिन आपको चाहिए कि ज्यादा ब्लड का वॉल्यूम भी कम ना हो तो आप तब दे सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि थायसाइड डायूरेटिक्स कैसी डायूरेसिस करते हैं, वीक डायूरेसिस, क्योंकि इनका साइट ऑफ एक्शन क्या है, डीसीटी, जहां से बहुत मिनिमम अमाउंट में सोडियम क्लोराइड का रीअब्सॉर्प्शन होता है। ठीक है, पहली बात। अब ये देखो, अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे डीसीटी में एक्चुअल में हो क्या रहा है। ये तो केवल एक सिंपल सी बात है, हर कोई इसे समझ भी सकता है और इसे आंसर भी कर सकता है। अब हम एग्जैक्टली डीसीटी में होने वाले सारी घटनाओं को देखेंगे, भाई वन बाय वन हो क्या रहा है डीसीटी के अंदर। ठीक है, चलिए। तो ये डीसीटी है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, सबको पता है। ठीक है, तो डीसीटी है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, ये वाले एरिया को क्या बोलोगे, ये है ल्यूमेन। ठीक है, ये अंदर का जो एरिया होता है सबको पता है ये क्या है, ल्यूमेन। तो ध्यान में रखिएगा ये क्या है, ल्यूमेन। ठीक, यहाँ पे क्या होंगी, जो ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का जो डीसीटी डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, ऑब्वियसली इसमें इस तरीके से सेल्स प्रेजेंट होंगी, है ना, सेल्स होंगी ना, यानी कि ल्यूमेन से अगर कोई भी चीज एब्जॉर्ब होगी तो पहले सेल में जाएगी और तब जाके ब्लड सर्कुलेशन में जाएगी। ठीक है, तो मैं इसी में से एक सेल को बड़ा करके यहां पे दिखा रही हूं, ये है सेल। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा बड़ा ले लिया है सेल को, ये सेल है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी सेल्स होंगी यहां पे, मैं केवल एक सेल ले रही हूं। तो ये जो सेल है आपकी, इसके अगले साइड पे क्या होगा, हमारा ब्लड सर्कुलेशन, इस तरीके से देखो। चलिए, तो क्या होगा, देखो हम क्या कह रहे हैं कि यहां से जब आराम से यूरिन यहां से आती है, फिल्टर जो आपका, सॉरी, जो फिल्ट्रेट आता है, फिल्ट्रेट यहां से ट्रेवल करता हुआ उसका रीअब्सॉर्प्शन होगा। ठीक है, पहुंचा डीसीटी के पास। अब डीसीटी में पहुंचते ही क्या होता है, देखो डीसीटी का जो ये ल्यूमेन पार्ट है, जो ल्यूमिनल साइड है सेल की, अगर इस सेल को मैं बोलूं तो सेल की दो साइड होंगी, एक तो होगी ये वाली साइड जिसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनल साइड, और एक होगी ये वाली साइड जिसे हम बोलते हैं बेसो लेटरल साइड। ध्यान रखेंगे ल्यूमेन की तरफ जो सेल की साइड होगी वो ल्यूमिनल साइड है। तो जो ये सेल है, सेल की ल्यूमिनल साइड में स्पेसिफिक टाइप के आपके ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से होते हैं, देखो ये वो ट्रांसपोर्टर है, सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर। समझ में आ रहा है, ये ट्रांसपोर्टर आपके कहाँ है, ल्यूमिनल साइड में है। इसी वजह से ल्यूमिन से जो भी यहां से फिल्ट्रेट में सोडियम और क्लोराइड होगा लगभग 5-10%, वो इसी ट्रांसपोर्टर को यूज करके कहाँ जाने वाला है, सेल के अंदर जाएगा और वहां से ब्लड में जाएगा। समझ में आ रहा है रीअब्सॉर्प्शन। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जो ये सेल है, सेल की बेसोलैटरल साइड में हमारे क्या होते हैं, सोडियम एटीपेस पंप होते हैं, या इनको ट्रांसपोर्टर्स भी आप बोल सकते हो, ये है वो, इस तरीके से, वन मिनट, ये आया आपका सोडियम, गया बदले में कौन आया, पोटेशियम। ठीक, ये पंप हमारे प्रेजेंट होते हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप है, लाइक एनी अदर सेल। अभी तक हमने पहले भी देखा था नेफ्रॉन में, चाहे पीसीटी हो, चाहे आपका लूप ऑफ हेनले हो, चाहे डीसीटी हो, हर जगह बेसोलेटरल साइड में ये पंप प्रेजेंट होते हैं, ये ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं। अगर ये पंप नहीं होंगे तो ये जो पंप है ना, चाहे ये यहाँ पे सोडियम क्लोराइड पंप है, चाहे यहाँ पे सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड पंप होता है ना, ट्रांसपोर्टर होते हैं, तो ये तब तक काम नहीं करेंगे। तो ये पंप बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से बेसोलेटरल साइड में हमारे पास क्या है, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप है। ठीक है, इसके अलावा एक और पंप यहाँ पे प्रेजेंट होता है बेसोलेटरल साइड में ही, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, कौन सा पंप है वो,
इस पंप का नाम है सोडियम कैल्शियम एटीपेज। ठीक है, ये सोडियम कैल्शियम आपका ट्रांसपोर्टर है, एंटी ट्रांसपोर्ट बेसिकली। तो आप देखो क्या होगा, इस चीज को समझो, यहां से क्या होता है हमारी बेसोलेटरल साइड में, अभी ये मान के चलो कि ल्यूमेन में, जो ये ल्यूमेन वाला एरिया है, वहां पे फिल्ट्रेट पहुंच चुका है, अभी तक डीसीटी में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है। तो होता क्या है, देखो जो ये सेल्स हैं, सेल की बेसोलेटरल साइड में इस तरीके से सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है, जो लगातार क्या कर रहे हैं, सेल के अंदर की सोडियम को बाहर भेज रहे हैं, और बाहर मतलब हमारे सर्कुलेशन में भेज रहे हैं, और हमारे सर्कुलेशन से पोटेशियम को अंदर लेके आ रहे हैं। तो इस पंप की वजह से क्या होगा, क्या होगा रिजल्टेंट इफेक्ट, ये जो सेल है इसके अंदर सोडियम का लेवल तो बहुत कम हो जाएगा, लेकिन पोटेशियम का लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा। यही आएगा इसका फर्क, स्टार्टिंग कहां से हो रही है समझ रहे हो ना, ये जो एटीपेज पंप है लगातार सोडियम सर्कुलेशन में डाल रहे हैं और वहां से बदले में पोटेशियम अंदर ला रहे हैं, तो इस सेल के अंदर सोडियम का लेवल कम हो जाएगा, पोटेशियम का लेवल ज्यादा हो जाएगा। तो अब बताओ ये सेल क्या करेगी, अब ये सेल ट्राई करेगी ना कि सोडियम कहीं से लेके आए, इसको सोडियम की जरूरत है, तो सोडियम कहां से आती है, देखो ये जो हमारे ल्यूमेन में सोडियम क्लोराइड पंप है, ये अब काम करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अंदर ग्रेडियंट क्रिएट हो गया है, तो जो ल्यूमेन में जो फिल्ट्रेट आएगा उसमें जो भी आपका सोडियम और क्लोराइड है 5-10% यहाँ पे होगा, वो क्या होगा, रीअब्सॉर्ब होके कहां आ जाएगा, सेल के अंदर आ जाएगा। समझ में आया क्यों आया ये सेल के अंदर, क्योंकि जब तक ये सेल सोडियम पुअर नहीं होगी, यानी कि जब इसमें आपका सोडियम का लेवल कम नहीं होगा जब तक, तब तक ये वाले जो आपका सिंपोर्ट है ये काम नहीं करने वाला। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे सोडियम का लेवल कम हुआ, ये पंप एक्टिवेट हुए और जो फिल्ट्रेट यहां से आ रहा था, ठीक है, उस फिल्ट्रेट में से सोडियम और क्लोराइड रीअब्सॉर्ब होके कहां चले गए, सेल के अंदर चले गए, अभी सेल के अंदर गए हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो क्या होगा नेक्स्ट, वन मिनट, हाँ ये वाला जो है ये पंप, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इस पंप के थ्रू सोडियम ब्लड में जाएगा, बदले में कैल्शियम अंदर आएगा। ठीक है, अब करेक्ट हो गया। ठीक, अब देखो, अच्छा ये मैंने फिर से वही कर दिया है, सोडियम सेल के अंदर आएगा, कैल्शियम ब्लड में जाएगा, अब ये करेक्ट है। ठीक है, अब करेक्ट हो चुका है। तो अब देखिए, सोडियम के लेवल को ठीक करने के लिए इस पंप ने तो काम किया ही, साथ ही साथ यहाँ पे एक और पंप आपको दिख रहा है जो ब्लड से सोडियम को अंदर ला रहा है, यानी कि सेल के अंदर सोडियम के आने के दो तरीके हैं, एक इस पंप के जरिए और एक इस पंप के जरिए। ठीक है, दोनों के तरह, दोनों से आपका सोडियम अंदर आता है। ठीक हो गया, अब होगा क्या, देखो ये जो पंप है जब भी सोडियम को अंदर लाएगा तो बदले में क्या करेगा, कैल्शियम को ले जाएगा। ठीक है, ध्यान में है ना, यहाँ पे क्या है, ये सोडियम कैल्शियम पंप है, यानी कि अगर सोडियम अंदर आ रहा है तो बदले में कैल्शियम को बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझो। अब देखो यहाँ पे डीसीटी में सोडियम और क्लोराइड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है तो आपको समझ में आ गया। अब एक और चीज यहाँ पे होती है, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन, उसे हम समझ लेते हैं कैसे होता है। तो मैंने पहले भी जब आपको पैराथायरॉयड हार्मोन पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था, ये पैराथायरॉयड हार्मोन क्या है, ये आपका हार्मोन है जो आपकी पैराथायरॉयड ग्लैंड की जो चीफ सेल होती है वहां से रिलीज होता है, और इसका मेन रोल होता है कैल्शियम होम्योस्टेसिस में, ये हमारी बॉडी में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। तो अब देखिए वो कैसे करता है, वो काम करता है अलग अलग तरीके से, मैंने बताया था ना, इंटेस्टाइन पे काम करता है, किडनी पे काम करता है, साथ ही साथ आपकी बोन्स पे भी काम करता है। तो अब बात आती है किडनी पे कैसे काम करता है, क्योंकि यहाँ हम वो डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, वो सब मैंने पैराथायरॉयड हार्मोन में आपको डिटेल में ड्रग अफेक्टिंग कैल्शियम बैलेंस में डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो होता कैसे है देखो, यहाँ समझ लो, ये जो हमारी डीसीडी की सेल है ना, इसके सरफेस में इस तरीके से पैराथायरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब भी पैराथायरॉयड हार्मोन इन रिसेप्टर से बाइंड होगा, आपकी पैराथायरॉयड ग्लैंड पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करेगी, और जो ये हार्मोन जब इस रिसेप्टर से बाइंड होता है तो क्या होता है, ये डीसीटी की सेल में होता है, समझ रहे हो ना, तो जब भी ये बाइंडिंग होती है तो इसके बाद क्या होता है, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग होगी, और फाइनल रिजल्ट क्या आता है कि जो आपकी इस सेल की, ये जो सेल है, सेल की जो ल्यूमिनल साइड है
वहां पे क्या होते हैं, एक चैनल आपके इंसर्ट हो जाते हैं, इस तरीके से ये चैनल इंसर्ट हो जाते हैं। और ये चैनल्स कौन से होते हैं आपके, कैल्शियम चैनल। पहले ये नहीं थे। पैराथायरॉयड हार्मोन जब होगा ये, यानी कि आप कह सकते हो कि ये जो कैल्शियम का रीअब्सॉर्प्शन यहाँ पे होगा वो क्या होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन इंड्यूस्ड रीअब्सॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो होगा क्या, जब भी पैराथायरॉयड हार्मोन डीसीटी की सेल्स के बेसोलेटरल साइड में अपने रिसेप्टर से बाइंड होते हैं तो इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग के थ्रू फाइनली ल्यूमिनल साइड में कैल्शियम चैनल आपके इंसर्ट हो जाते हैं। अभी तक कैल्शियम चैनल थे नहीं, अब इंसर्ट हो गए हैं, तो अब क्या होगा, ये चैनल इंसर्ट हो गए हैं तो इन चैनल्स के थ्रू क्या होगा, ये जो फिल्ट्रेट आया है उसमें जो भी कैल्शियम है, क्योंकि आप जानते हो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि बहुत सारा कैल्शियम यहाँ पे लूप ऑफ हैनले में पैरासेलुलरली आपका एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन यहाँ पे भी आपका क्या होगा, फिल्ट्रेट आ रहा है, अब उसमें जो कैल्शियम प्रेजेंट है वो यहां से क्या होगा, रीअब्सॉर्ब होगा। तो ये जो रीअब्सॉर्प्शन हुआ ये क्या था, पैराथायरॉयड हार्मोन डिपेंडेंट था जो डीसीटी पे हो रहा है। समझ में आ रहा है ना, तो देखो अब क्या होगा, ये जो है आपका पैराथायरॉयड हार्मोन की वजह से यहाँ पे कैल्शियम चैनल इंड्यूस हो गए, तो फिल्ट्रेट में जो भी कैल्शियम था वो एब्जॉर्ब होके कहाँ चला गया, आपकी सेल के अंदर चला गया, और ये आसानी से ये कैल्शियम इस पंप को यूज करके कहाँ चला जाएगा, ब्लड में। अब समझ में आया इस पंप का यूज क्या है, अगर सोडियम अंदर आ रहा है, अब आप ये कहेंगे कि मैम कैल्शियम कहाँ से आया, तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि सेल के अंदर जो कैल्शियम है वो कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो सोडियम तभी अंदर आएगा जब कैल्शियम बाहर जाने के लिए होगा। समझ में आ रहा है, तो आप कह सकते हैं इन टोटल क्या कह सकते हैं कि भाई ये जो हमारी डीसीटी की सेल है यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन कैसे होगा ये समझ में आ रहा है, और ये हमें दिख रहा है कि सेल के अंदर सोडियम के आने के दो रास्ते हैं, एक तो इस सिम्पोर्ट को यूज करके जो कि ल्यूमिनल साइड में है, दूसरा आपका जो कि बेसोलेटरल साइड में सोडियम कैल्शियम ट्रांसपोर्टर है उसे यूज करके। तो दोनों ही केस में क्या होगा, देखो सोडियम आएगा, ये आ रहा है इस तरीके से, ये एसीटी पे इस पंप में काम आ जाएगा जो इसकी वर्किंग चल रही है, क्योंकि सोडियम बाहर जाएगा तो सेल के अंदर सोडियम होना भी तो चाहिए, है ना, तो सोडियम जो अंदर आ रहा है वही हमारी हेल्प करेगा इस पंप को चलाने में, और ये भी सोडियम यही काम करेगा। ठीक है, तो ये पंप लगातार काम करता रहेगा क्योंकि सोडियम अवेलेबिलिटी है, अगर किसी भी तरीके से आप सोडियम की अवेलेबिलिटी को कम कर देंगे तो ये पंप के काम जो फंक्शनिंग है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। समझ में आ रहा है, तो ये आपको पूरा आपको पता होना चाहिए कि डीसीटी के अंदर क्या क्या हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया डीसीटी के अंदर क्या हो रहा है, कैसे आपका डीसीटी में आपका सोडियम, और यहाँ पे ध्यान रखना ये जो क्लोराइड है ये फ्रीली मूव करते हैं, यहाँ पे चैनल्स इसके प्रेजेंट होते हैं तो डायरेक्टली ये क्या कर सकते हैं आपके ब्लड में एंट्री ले सकते हैं। ठीक हो गया, किस तरीके से ल्यूमिन से आपने सोडियम क्लोराइड कैल्शियम को ब्लड तक पहुंचाया। ठीक, आप देखते हैं कि हमारे डायूरेटिक क्या करेंगे। ठीक है, थायजाइड डायूरेटिक क्या करेंगे, तो देखो थायजाइड डायूरेटिक क्या करते हैं, ये जो पंप है सोडियम क्लोराइड जो आपको सिम्पोर्ट दिख रहा है आपकी ल्यूमिनल मेम्ब्रेन में, ये इसे क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। क्या कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट को ब्लॉक कर दे रहे हैं। तो अब देखें इसके ब्लॉक होने की वजह से क्या क्या चीजें होंगी, वन बाय वन नोट करते चलेंगे। सबसे पहली बात, सोडियम अंदर नहीं जा रहा है, ठीक है, तो कहाँ जाएगा, यूरिन में एक्सक्रीट होगा। ठीक है, हालांकि आगे कलेक्टिंग डक्ट है जहां पे आपका रीअब्सॉर्प्शन होता है, लेकिन ओनली 2-3% रीअब्सॉर्प्शन होता है, ये सारा का सारा सोडियम क्लोराइड को ये कलेक्टिंग डक्ट हैंडल नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इसीलिए रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आएगा, जो यूरिनरी ब्लैडर में आपका यहां से और यूरिन के थ्रू जो यूरिन के फॉर्म में जो एक्सक्रीशन होगा उसमें आपका क्या होगा, सोडियम ज्यादा होगा। ठीक है, इसीलिए फर्स्ट इफेक्ट क्या आएगा आपका, नेट्री यूरेसिस। नेट्री यूरेसिस मतलब यूरिन में आपका सोडियम का लेवल ज्यादा होगा। ठीक हो गया, दूसरी बात आपका क्या होगा, अब आप यहां देखो, अभी तक मैंने आपको क्या बताया था कि सेल के अंदर सोडियम की एंट्री के दो रास्ते थे, एक ये पंप था एक ये पंप था, क्योंकि अब ये पंप काम नहीं कर रहा है, थायजाइड डायूरेटिक ने ये पंप ब्लॉक कर दिया है, तो अब सारा काम सारा दारोमदार किस पंप के ऊपर आ गया है, इस पंप के ऊपर आ गया है, आया है या नहीं आया है। ठीक है, अब जो ये सोडियम अवेलेबल कराएगा, इस पंप को जो सोडियम अवेलेबल कराएगा वो कौन सा पंप होगा आपका, सोडियम कैल्शियम एंटीपोर्ट होगा। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, चलिए ये पंप काम कर रहा है, सोडियम आ रहा है सेल के अंदर तो कैल्शियम भी तो जाएगा,
ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, सेल के अंदर हमेशा कैल्शियम का लेवल क्या रहेगा, लो रहेगा, क्योंकि लगातार ये पंप काम कर रहा है। अभी तक दोनों मिलजुल के कर रहे थे, अब क्या हुआ, इसी पंप पे सारी जिम्मेदारी आ गई। तो हुआ क्या, ठीक है ये पंप सोडियम को अंदर ला रहा है, तो ये सेल के अंदर से कैल्शियम को फटाफट कहाँ भेजेगा, ब्लड सर्कुलेशन में भेजेगा। इसकी वजह से सेल के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, और ये ग्रेडियंट क्रिएट होगा, और ल्यूमेन से जो भी फिल्ट्रेट आ रहा होगा उसमें उससे ज्यादा अमाउंट में क्या होगा, कैल्शियम का रीअब्सॉर्प्शन होगा। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये जो है आपका थायसाइड डायूरेटिक क्या करा रहे हैं आपके, नेक्स्ट इफेक्ट हाइपर कैल्सीमिया लिख देती हूं मैं, ठीक है। यानी कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका ब्लड में कैल्शियम का लेवल आपका बढ़ रहा है। अभी जब मैंने लूप डायूरेटिक आपको पढ़ाए थे तो वो क्या करते थे, हाइपोकैल्सीमिया पढ़ाया था ना, हाइपोकैल्सीमिया ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करते थे। लेकिन थायसाइड क्या करते हैं, हाइपर कैल्सीमिया, क्योंकि ये क्या करते हैं आपका कैल्शियम के रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, क्योंकि इसी पंप पे सारी जिम्मेदारी है। और ये पंप का मेन काम क्या है, सोडियम अंदर लाना, कैल्शियम को ले जाना। तो सोडियम अंदर आ रहा है तो भाई ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम भी आपके ब्लड तक पहुंचेगा, ठीक है। तो हाइपर कैल्सीमिया आपका सेकेंड इफेक्ट रहेगा, इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट और क्या क्या होगा इस पंप के, मैंने हमेशा आपको बताया है जब हम डायूरेटिक्स पढ़ रहे थे, स्टार्टिंग लेक्चर से आपसे बोल रही हूं कि कोई भी अगर डायूरेटिक इस पॉइंट से प्रॉक्सिमल साइड में काम करता है, यानी कि अगर वो डीसीटी पे काम करता है, अगर वो डायूरेटिक लूप ऑफ हेनले पे काम करता है, अगर वो डायूरेटिक पीसीटी पे काम करता है, तो ये सारे के सारे डायूरेटिक क्या करेंगे, हाइपोकैलेमिया करेंगे, पोटेशियम लॉस करेंगे। एक्सेप्ट ये, जो आपका कलेक्टिंग डक्ट पे जो डायूरेटिक काम करते हैं ना, जिनको बोलते हैं हम पोटेशियम स्पेयरिंग। नाम क्यों दिया पोटेशियम स्पेयरिंग, क्योंकि ये पोटेशियम को बचाते हैं। जबकि सारे जो आपके डायूरेटिक हैं इसके अलावा, ये क्या है आपके, क्या है ये, हाइपोकैलेमिक है। ये क्या करते हैं आपके, पोटेशियम का लॉस कराते हैं। और इसका मैकेनिज्म मैंने बताया था आपको जब मैं कलेक्टिंग डक्ट डिस्कस करूंगी, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में होगा, जब हम पोटेशियम स्पेयरिंग को डिस्कस कर रहे होंगे, तो वहां पे मैं इसका डिटेल में आपको आंसर दूंगी, तो बने रहिएगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है, देखो इस चीज को समझो। तो थर्ड सेम वही कि ये क्या करेंगे आपका, हाइपोकैलेमिया पोटेशियम का लेवल क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक हो गया। इसके अलावा और क्या क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, ये देख लीजिए। नेक्स्ट और जो आपका इफेक्ट है वो क्या है, ये जो थायसाइड डायूरेटिक्स होते हैं ना, ये एक और काम करते हैं, ये करते हैं वैसोडाइलेशन, ठीक है। ये आपका स्टडी से आपकी रिपोर्ट आई है कि ये जो थायसाइड डायूरेटिक होते हैं ये वैसोडाइलेशन करते हैं, बट इनका एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता है कि ये किस तरीके से क्या ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से वैसोडाइलेशन हो रहा है, बट थायसाइड डायूरेटिक्स के साथ वैसोडाइलेशन है, ठीक है। ब्लड वेसल्स को ये डायलेट करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपको दोनों में बताया था, ठीक है। मैंने बताया था कि लूप डायूरेटिक्स में भी होता है और साथ में थायसाइड के साथ भी होता है। अब देखें क्या होता है, देखो थायसाइड डायूरेटिक अगर किसी भी पेशेंट को आप दोगे तो उन्हें काम करने के लिए कहाँ आना पड़ेगा बेटा, ह्यूमन में आना पड़ेगा, क्योंकि जो इसका साइट ऑफ एक्शन है, जो ये सिंपोर्टर है, ये कहाँ है, ल्यूमिनल साइड में है, ये बेसोलेटरल साइड में नहीं है। अगर इस साइड में होते तो आसानी से ड्रग ब्लड में जाती और इन ट्रांसपोर्टर्स को क्या कर देती है, आपका ब्लॉक कर देती। क्योंकि ये ट्रांसपोर्टर ल्यूमिनल साइड में है, इसीलिए ड्रग को इस ल्यूमिन साइड में, सपोज ये है ड्रग, इसे यहां पहुंचना पड़ेगा, ये ल्यूमेन में आना पड़ेगा इसे। अभी कैसे ल्यूमेन में आएंगे, दो तरीके हैं, या तो ये यहां से फिल्टर होके ग्लोमेरुलस के थ्रू फिल्टर होके आए, या फिर ये क्या करेंगे पीसीडी के थ्रू डायरेक्ट अंदर एंट्री ले लेंगे। यही तो बताया था मैंने आपको, ठीक है। ये लूप ऑफ हेनले जब हम लूप डायूरेटिक बोल रहे थे तब भी मैंने समझाया था, अभी भी बता रही हूँ। तो दो तरीके हैं इसके अंदर एंट्री लेने के, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पे भी हमारा क्या है, इस तरीके से कैपिलरी का, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का इस तरीके से नेटवर्क है, तो आसानी से कोई भी चीज इसके थ्रू भी अंदर एंट्री ले सकती है। अगर वो ब्लड में आ गई है, आपने ड्रग ली, किसी को थायसाइड डायूरेटिक दिया और वो इस तरीके से ब्लड में है, तो उसके पास रास्ते हैं, या तो वो यहां से फिल्टर होके आए या फिर यहां से आए। तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जो थायसाइड डायूरेटिक है लूप डायूरेटिक्स की तरह पीसीडी के थ्रू डायरेक्टली कहां एंट्री लेते हैं, आपके ल्यूमेन में एंट्री लेते हैं।
यहाँ से भी होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू भी आते हैं, लेकिन पीसीटी के थ्रू भी एक्टिवली सिक्रीट होते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्या होंगे, आपकी एंट्री ले लेंगे और कहाँ जाएंगे, ल्यूमेन में। अब इसमें आप बोलोगे कि मैम ये बात क्यों बता रही हैं, तो अब क्या होगा, देखो ये आसानी से यहाँ से ट्रैवल करते हुए इनको एक पंप दिखेगा, इन्हें ब्लॉक कर देंगे, ये तो सिंपल सी बात है। ये बताने के पीछे का रीजन क्या है कि जब ये आते हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई डायरेक्ट एंट्री ले लेते हैं, यहाँ पे इनको क्या होता है, ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आपको मैंने पहले भी बताया था जब हम फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन पढ़ रहे थे, यहाँ पे क्या होते हैं हमारे ऑर्गेनिक एनायन और कैटायन ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये उन्हीं ट्रांसपोर्टर को यूज करके कहाँ आते हैं, ल्यूमेन में आते हैं। अब इसमें नई बात क्या है, बात ये है कि ये उन ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू अंदर एंट्री लेते हैं जिनके थ्रू यूरिक एसिड अंदर एंट्री लिया करता है। अब क्योंकि ये उस ट्रांसपोर्टर को यूज कर रहे हैं अंदर एंट्री लेने के लिए, तो यूरिक एसिड कहाँ रह जाएगा, आपके ब्लड में ही रह जाएगा, क्योंकि यूरिक एसिड का जो सवारी थी जिसमें वो बैठ के आता था वो तो किसने ले लिया, इनने ले लिया, थायसाइड डायूरेटिक्स ने। तो अब क्या होगा, यूरिक एसिड रह गया भाई आपके ब्लड में, और ब्लड में यूरिक एसिड रहेगा तो क्या करेगा, ये हाइपर यूरिसीमिया, जिसकी वजह से क्या होगा, ये यूरिक एसिड आपके जॉइंट्स में डिपॉजिट होने लगेगा और वहां पे क्या हो सकता है, गाउट हो सकता है, गठिया जिसे बोलते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका इसका इफेक्ट है वो क्या है, ये एडवर्स इफेक्ट बोल लीजिए, हाइपर यूरिसीमिया। समझ में आ गया क्यों हुआ, कैसे हुआ, समझ में आया क्यों यूरिक एसिड का लेवल आपके ब्लड में बढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट जो इफेक्ट है वो क्या है आपका, हाइपर लिपिडेमिया। तो ये भी इफेक्ट है जो इसके साथ और लूप डायूरेटिक दोनों के साथ देखने को मिलता है। ये जो डायूरेटिक है ये लिपिड प्रोफाइल को बढ़ा देते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देते हैं, ट्राइग्लिसराइड लेवल को बढ़ा देते हैं, और जो बेड लिपोप्रोटीन है उसके लेवल को भी बढ़ा देते हैं, LDL, ठीक है। नेक्स्ट जो इफेक्ट है आपका वो है हाइपर ग्लाइसीमिया। तो ये जो ड्रग है लूप डायूरेटिक्स की ही तरह ये आपका ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को भी बढ़ा देती हैं। तरीका क्या है इनका, ये थ्योरी पोस्टुलेटेड है कि ऐसा होता होगा, तो ये बोला जाता है क्योंकि ये जो ड्रग है थायजाइड डायूरेटिक्स लूप डायूरेटिक्स की तरह ही क्या करते हैं, हाइपोकैलेमिया कॉज करते हैं, कैल्शियम के लेवल को, पोटेशियम के लेवल को कम करते हैं, और हम जानते हैं कि इंसुलिन रिलीज में पोटेशियम का क्या रोल है, ठीक है। ये ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल ही होते हैं जिनके ओपन होने की वजह से इंसुलिन रिलीज होता है, पढ़ा है ना, अगर मैंने आपको इंसुलिन पढ़ाया था तो उसमें मैंने उसका पूरा रिलीज का मैकेनिज्म आपको बताया है, और बताया है किस तरीके से पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं और सेल के अंदर डीपोलराइजेशन की फेज आती है और इंसुलिन तब जाके रिलीज होता है, ठीक है। तो ये आपकी थ्योरी है जो गिवन है कि क्यों हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, तो पोटेशियम लॉस हो रहा है तो इस वजह से हाइपरग्लाइसीमिया है, थायराइड्स के साथ भी और लूप डायूरेटिक्स के साथ भी। लास्ट जो बात यहाँ पे जानने वाली रह गई है वो ये है कि हम ये भी जान लें कि जो आपकी थायसाइड डायूरेटिक्स की कैटेगरी में कौन कौन सी ड्रग आती हैं, तो कौन सी आती हैं आपकी, क्लोरथायसाइड, ठीक है, क्लोरथायसाइड, हाइड्रोक्लोरथायसाइड मैं लिख नहीं रही हूं, ठीक है, इसके साथ साथ आती है आपकी क्लोरथैलिडोन, मिटोलाजोन, इंडापामाइड, ये ड्रग है। अब इसमें से जो आपकी क्लोरथायसाइड है और हाइड्रोक्लोरथायसाइड है ये तो थायसाइड डायूरेटिक्स इन्हें बोला जाता है, लेकिन जो लास्ट के आपके तीन है क्लोरथैलिडोन, मिटोलाजोन और इंडापामाइड, ये क्या है आपके, ये तीनों ही थायसाइड लाइक डायूरेटिक्स इन्हें बोला जाता है। क्यों इनको थायसाइड लाइक बोला जा रहा है, क्योंकि ये थायसाइड की तरह है, तरह कैसे है, इफेक्ट इनका थायसाइड की तरह ही है जो मैकेनिज्म है पूरा, लेकिन इनका स्ट्रक्चर जो है थायसाइड डायूरेटिक का जैसा नहीं है, इसीलिए इन्हें बोला थायसाइड लाइक डायूरेटिक, ठीक है। तो दो यहां पे हो जाते हैं, थायसाइड और थायसाइड लाइक डायूरेटिक, सेम रहेगा सारी चीजें, क्योंकि स्ट्रक्चरल डिसिमिलैरिटी है, इस वजह से इन्हें क्या बोला, थायसाइड लाइक डायूरेटिक, जो लेटर तीन आपके हैं, ठीक है। देखते हैं कुछ अगर इसमें रह रहा है क्या, थायसाइड डायूरेटिक्स, यस, ठीक है, सब चीजें कवर हो गई हैं, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इनसे, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट
पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, जो कहाँ पे काम करते हैं, हमारी कलेक्टिंग डक्ट में, और वही हम जानेंगे कि ये जो पोटेशियम लॉस हो रहा है, पोटेशियम लॉस जो कह रहे हैं हम कि बाकी पीसीटी या डीसीडी या लूप ऑफ हेनले में जितनी भी ड्रग काम करेंगी उनकी वजह से पोटेशियम लॉस होगा, लेकिन जो कलेक्टिंग डक्ट पे काम करेगी उसकी वजह से पोटेशियम बचेगा, तो ये क्यों हो रहा है, एग्जैक्ट मैकेनिज्म हम समझेंगे. ओके, तो मिलते हैं इस बात को जानने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.